नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस जर्न स्वेटर में वी नेक की कटिंग करेंगे और शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो मैंने बॉर्डर में 100 फंदे डाले थे और 11 फंदे इंक्रीज किए थे, तो टोटल फंदे हो गए 111 और मैंने लंबाई पूरी की है। तो नेक कटिंग दो तरीके से की जाती है, या तो शोल्डर के हम साथ साथ नेक की भी कटिंग करें, या फिर शोल्डर से 1 से 1.5 इंच नीचे से हम नेक की कटिंग करें। तो दोनों तरीके से गला बहुत ही अच्छा बन के आता है। इस स्वेटर में हम गले की और शोल्डर की और गले की कटिंग साथ साथ करेंगे। तो इस स्वेटर में 111 फंदे थे और इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक तरफ हो गया 55 फंदे और दूसरी तरफ भी 55 फंदे, और एक फंदा जो अधिक है यानी बीच का फंदा, 55वां फंदा 56 स्टिच, तो इसे हम पिन पे उतार लेंगे और अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो शुरू में हम 5 फंदे घटाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमने पहली लाइन में 5 फंदे घटाए। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को चालू रखेंगे और सेंटर में आएंगे, यानी 56वें फंदे के पास पहुंचेंगे। तो देखिए, हमने 55 स्टिच बुन लिया, 5 फंदे घटा लिए। पहली लाइन में 5 फंदे घटाए, उसके बाद बुनाई करते हुए हम सेंटर में पहुंचे हैं और ये हमारा 56वां फंदा है जिसे हमने पिन पे उतारा है और इसी पर वी नेक बनना शुरू होगा। तो इसको हम ऐसे गिरा देते हैं और अब या तो हम दूसरा धागा लगाकर साथ साथ बुन सकते हैं, या फिर हम यहीं से लौट सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक साइड में डिक्रीजिंग करेंगे। तो हम यहीं से टर्न कर लेते हैं और जो भी हमारा डिज़ाइन का पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए हम पीछे का साइड कंप्लीट कर लेंगे। इस समय हम इसमें कोई भी कटिंग या कोई भी फंदे डिक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम फ्रंट की तरफ आ जाएंगे। तो तीसरे लाइन में हम 3 फंदा डिक्रीज करेंगे। पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे को बुना और पीछे वाला फंदा इसमें उतार लिया, 1, 2 और 3। तो हमने 3 फंदा डिक्रीज कर दिया। शेष फंदों को हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुनते हुए सेंटर की तरफ आएंगे। अब देखिए, लास्ट के 2 फंदे बचे हुए हैं, तो अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया। तो दूसरी लाइन में हमने तीसरी लाइन में हमने 3 फंदे शोल्डर के घटाए और यहाँ पे एक फंदा गले का एक फंदा घटा लिया। और अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो अपने पैटर्न को चालू रखते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लास्ट फंदे पे हैं, तो इसे हम बुनेंगे नहीं बल्कि ऐसे ही बिना बुने दूसरे सिलाई में उतार लेंगे। अब ये हमारा 5वां लाइन है और इस लाइन में हम 2 फंदों को डिक्रीज करेंगे, ये एक हुआ
और ये दो, तो हमने तीसरी लाइन में दो फंदे, तो हमने पांचवी लाइन में दो फंदे डिक्रीज किए। शेष फंदों को हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुनेंगे। अब देखिए लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं, तो इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेते हुए सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने नेक का दूसरा फंदा भी घटा दिया और रॉन्ग साइड में हम कोई भी हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम रॉन्ग साइड से कोई भी डिक्रीजिंग नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ डिक्रीजिंग फ्रंट साइड से ही करना है। रॉन्ग साइड से बस अपने पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमें लाइन पूरी कर लेनी है। हर रॉन्ग साइड में हम लास्ट फंदा नहीं बुनेंगे, इसे हम बिना बुने दूसरी सिलाई में उतार लेंगे। ये हमारा सातवां लाइन है। तो पहली लाइन में हमने पांच फंदे घटाए, तीसरी में तीन फंदे घटाए, पांचवी में दो फंदे और सातवीं में हम एक फंदा घटाएंगे। तो दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। शेष फंदों को अपने डिज़ाइन के हिसाब से हम बना लेंगे और सेंटर में पहुँचेंगे। अब फिर दो फंदा बचा हुआ है और हम दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमने तीसरा फंदा नेक की तरफ से तीसरा फंदा घटा लिया। और शेष फंदों को हम अपने पैटर्न के हिसाब से बुनते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड। अब हमारी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमने पाँच, तीन, दो और एक करके कटिंग की है। अब इधर हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ हमें गले पर ही फंदे घटाने हैं। तो अब हम सामने की तरफ पहुँचेंगे। अब हम सेंटर पार्ट की तरफ पहुँचेंगे। अब हम लास्ट के दो फंदों में पहुंचे हैं, तो दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमने चौथा फंदा घटा लिया। ये हमारा ग्यारहवां लाइन है और हमने पूरी सिलाई पूरी कर ली है और लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं। तो अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने लगातार पांच फंदे घटाए हैं, तीसरे में, पांचवे में, सातवें में, नौवें में और ये ग्यारहवां लाइन, तो इसमें एक फंदा। और अब हम रॉन्ग साइड से अपनी बुनाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा तेरहवां लाइन है। शोल्डर की कटिंग हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है और तेरहवें लाइन में हम गले की तरफ कोई भी फंदे डिक्रीज नहीं करेंगे। हमने पांच लगातार फंदे हर सीधी लाइन में डिक्रीज किए और अब हम एक सीधी लाइन छोड़ के फंदे डिक्रीज करेंगे। इस लाइन में हम कोई भी फंदे डिक्रीज नहीं करेंगे। हमने पांच लगातार सीधे लाइन में हमने एक एक फंदे गले की तरफ से डिक्रीज किए। तो पांच फंदे डिक्रीज करने के बाद अब हम एक सीधी लाइन छोड़ के तब नेक्स्ट वाले में फंदे डिक्रीज करेंगे। ये हमारा पंद्रहवीं लाइन है और इस लाइन में फिर हम दो फंदे एक साथ लेके दो का एक कर देंगे, यानी एक फंदा डिक्रीज कर देंगे।
तो हमने 3, 5, 7, 9 और 11 में लगातार एक एक फंदे घटाए। 13वीं लाइन में हमने फंदे नहीं घटाए और ये 15वां लाइन है तो इसमें एक फंदे घटाए। 17वीं लाइन में हम फिर फंदे नहीं घटाएंगे और 19वीं लाइन में फंदे घटाएंगे। यानी हम एक एक सीधी सिलाई छोड़ के तब फंदे घटाएंगे, यानी हर चौथी लाइन में हम फंदे घटाएंगे। यानी 15, फिर 19, फिर 23, फिर 27, इन लाइनों में हम फंदे घटाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक सिलाई में 28 फंदे न रह जाए। तो 28 फंदे आने तक मैं बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सारे फंदे घट चुके हैं। इस समय सिलाई पे 28 फंदे हैं। तो शोल्डर की हमने शोल्डर को 5, 3, 2, 1 करके 11 फंदे शोल्डर में घटाए हैं। और पहली लाइन में नेक में हमने पहली लाइन में कोई फंदे नहीं घटाए हैं। उसके बाद हर सीधी लाइन में लगातार 5 फंदे घटाए हैं। 3रे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें लाइन में लगातार 5 फंदे घटाए हैं। उसके बाद हम एक सीधी लाइन को छोड़ के फंदे घटाए, उसके बाद एक सीधी लाइन को छोड़ के फंदे घटाए गए हैं। यानी 11वीं लाइन के बाद हमने 13वीं लाइन में फंदे नहीं घटाए हैं, सीधे 15वीं लाइन में यानी 4 लाइन बाद फंदे घटाए हैं। 15वीं के बाद 19वें में, 23वें में, 27वें में, 31वें में, 35वें में, 39वें में, 43वें में, 47वें, 51 और 55। तो हमने टोटल नेक की तरफ से 16 फंदे घटाए हैं। 11 फंदे हमने शोल्डर में घटाए हैं और नेक में हमने 16 फंदे घटाए हैं, 5 लगातार और 11 फंदे अल्टरनेट करके एक सीधी लाइन छोड़ते हुए। तो और ये हमारा 55वां लाइन कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने एक फंदे यहाँ पे घटा दिए हैं। अब सिलाई में 28 फंदे हैं। अब हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, बस अपने अब हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, बस अपने पैटर्न को पूरा करते हुए लंबाई को कंप्लीट करना है। तो मैं लंबाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये शोल्डर डिक्रीजिंग के बाद ये हमारे साढ़े 7 इंच कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही शोल्डर बनके तैयार हो गया है। तो हमारा शोल्डर कंप्लीट हो गया है और अब हम देखिए हमारा नेक भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा स्वेटर का ये पार्ट तैयार हो गया। अब हम दूसरी तरफ का कंधा और नेक घटाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।